हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द माउंटेन एकोड पे। इस वक्त मैं ब्रह्मपुत्र नदी पर हूँ। मैं आईटी गुवाहाटी कैंपस से निकला हूँ गुवाहाटी सिटी की ओर, और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लेकर जा रहा हूँ पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो पूरी दुनिया में मशहूर है सिंगल हॉर्न राइनोसोर्स के लिए। मुझे यहाँ से लगभग 10-15 मिनट का टाइम लगेगा गुवाहाटी सिटी पहुंचने में। वहां से मेरे साथ होगा मेरा दोस्त कुलदीप, और हम वहां से जाएंगे बाइक के द्वारा पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो अराउंड 45 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। मैं निकल चुका हूँ बोट से, और इस वक्त मुझे यहाँ से एक बस लेनी होगी, मेरे दोस्त तक पहुँचना है, वहाँ से हम साथ चलेंगे। दादा की खबर गाइस, ये है मेरा बहुत ही पुराना दोस्त कुलदीप। 2017 में भूटान ट्रिप पे मिला था हमको। आज के इस ट्रिप में हमारे साथ पोवितोरा चलेगा। काफ़ी स्लो है पर ये हमारे पूरे गैंग में सबसे स्लो पर्सन ही है। 25 मिनट मेरे को वेट कराया, मैं आईआईटी गुवाहाटी से गुवाहाटी पहुंच गया, पर ये गुवाहाटी से यहाँ तक नहीं पहुँच पाया अब तक। गुवाहाटी बहुत बड़ा है ना। चले दादा, चलो चलिए। क्या दाल बनाया भैया? खास आदमी है इसको लेकर जा रहा हूँ जी। तो खास आदमी है ना, इसलिए ओके ओके ओके। वक्त हम पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है। लगभग 1.5 घंटे लगे हमें गुवाहाटी से यहाँ तक पहुँचने में। दिन का टाइम है, लगभग 12 बज रहे हैं, जिस वजह से हमें एलिफेंट सफारी नहीं मिली है, क्योंकि एलिफेंट सफारी सिर्फ सुबह के टाइम में मिलती है 6:30 AM के अराउंड। तो इस वक्त हमें जीप सफारी मिली है। कुलदीप मेरे साथ है, दो लोग और हैं साथ में, हमारे साथ ड्राइवर है और एक गार्ड। और आज हम ढूंढने निकले एक ऐसे जानवर को जो बहुत ही स्ट्रांग है, पिछले हजारों सालों से उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिंगल हॉर्न राइनोसोर्स की, जो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं और पोवितोरा में सबसे ज्यादा डेंसिटी में वो जानवर मौजूद है पूरी दुनिया में। ये पहला जानवर हमें स्पॉट हुआ है यहाँ पर। कौन सा लिजर्ड है ये? कौन सा? मॉनिटर लिजर्ड। ओके, काफी बड़ा लग रहा है अंदर घास में ये। चलो दादा आगे। पिछले 20 मिनट से तलाश है उस जानवर की, अब तक हमें मिला नहीं है। अगर पास में दिखेगा तो आप रोकोगे ना? हम उतर सकते कि नहीं? लगभग 20 मिनट बाद हमें पहला राइनो नजर आया है। बहुत ही विशाल का जानवर है, आप देख सकते हो मेरी उंगली की डायरेक्शन में, थोड़ी सी डिस्टेंस पे है। वहां तक हम जाएंगे नहीं, और सफारी से नीचे उतरना भी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको ज़्यादा क्लोज से दिखा नहीं पाऊंगा। और साथ में यहाँ पर है कुछ लोगों की पालतू जानवर और कुछ जंगली भैंसे। पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिर्फ राइनोसोर्स के लिए नहीं, यहाँ पर विंटर में अराउंड 2000 से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज आती है पूरी दुनिया भर से। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है विंटर में यहाँ का। चालीस मिनट हो चुकी है, अब तक सिर्फ एक ही राइनो नजर आया है, और सबसे ज्यादा डेंसिटी सिंगल हॉर्न राइनोसोर्स की इसी सेंचुरी में, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला अब तक हमें। पिछले 40 मिनट में एक ही राइनो दिखा, और वो भी बहुत दूर, जैसे करीब हम जा भी नहीं सकते, और सफारी से नीचे उतरना भी अलाउड नहीं है। देखते हैं, लगभग 20 मिनट का टाइम और बचा है, क्या कुछ मिलता है। अब तक कुछ खास देखने लायक मिला नहीं हमें। 15 मिनट का समय अभी और बचा है, 1 घंटे की जंगल सफारी का टाइम मिला था। इस वक्त हम एक ऐसे स्पॉट पे जहाँ पे सभी लोग उतर सकते हैं, इससे पहले इन्होंने हमें उतरने के लिए मना किया क्योंकि अलाउड नहीं है। दादा, राइनो तो दिखा नहीं आज, एक भी एक ही दिखा है, क्या वजह है? टाइम ज्यादा हो गया। किस टाइम मिलता है? सुबह मिलता है उसका, सम उसी टाइम नहीं मिलेगा। ऐसे आप लोग बीच में उतरने क्यों नहीं दे रहे? जहाँ एक जगह दिख रहा था वहाँ उतरने देना चाहिए था। क्यों क्यों, मतलब क्या कर लेगा? या शेर तो है नहीं? नहीं, अटैक करने से लोग क्या करेगा आपको? राइनो अटैक कर लेगा? हाँ। ओके, डिसअपॉइंटेड सा फील हो रहा है। हम ये सोच के आए थे कि सिंगल हॉर्न राइनोसोर्स जो पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे देश में पाई जाती है और सबसे ज्यादा तादाद में इसी सेंचुरी में, पर हमें सिर्फ एक ही नजर है अब तक। लास्ट के 15 मिनट बचे हैं, शायद
अगर मिल जाए तो अच्छा होगा, नहीं तो यहीं से वापस चले जाएंगे। लगभग 15 मिनट का टाइम अभी और बचा है। घास बहुत लंबी है इस पूरे जंगल में, जिसकी वजह से हम जानवरों को स्पॉट नहीं कर पा रहे। धूप बहुत तेज है, अक्टूबर खत्म होने वाला है पर यहाँ पर गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। रास्ते बहुत ही उबड़ खाबड़ है। पिछले एक घंटे से हम लोग इन जंगल में घूम रहे हैं। एक राइनो स्पॉट हुआ है, एक एलिफेंट। किस्मत अच्छी है, फाइनली जाते जाते हमें राइनो के बहुत ही करीब से दर्शन हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने एक राइनो है और सिंगल हॉर्न राइनो, ये है पूरी दुनिया का सबसे मशहूर राइनो। सिंगल हॉर्न हमारे देश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और पोवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये हाईएस्ट डेंसिटी है। वो हमारी तरफ ही देख रहा है, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है अगर हमारे ऊपर अटैक किया तो। पर उनकी देखने की शक्ति बहुत कमजोर होती है, पर उनकी सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है। उसे आभास हो गया है उसके सामने कोई है, दुश्मन बहुत खतरनाक है। आप देख सकते हैं उसके ऊपर पूरी तरह से कीचड़ से वो लोटपोट हुआ है। ऐसा अक्सर वो इसलिए करते हैं, उनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है तो गर्मी से निजात पाने के लिए वो पानी में लोटपोट होते हैं, कीचड़ में अक्सर। और दूसरी बात, उनका फायदा ये होता है उससे कि मक्खी और मच्छर उनको ज्यादा तंग नहीं करते उनके स्किन पर बैठ के। काफी अच्छा पोज दे रहा है वो, शायद उसको भी अब आदत हो गई है। चल पलते, बाय बाय। और इसी के साथ हमारा आज का जंगल सफारी का राइड यहीं पर खत्म होता है। इस वक्त मैं बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे सेंचुरी के, और ये हैंगिंग ब्रिज है जिसके नीचे से खूबसूरत सी नदी बह रही है। आज का सफर काफी अच्छा रहा। हाइप टाइम तक हम लोग काफी डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि हमें एक ही राइनो नजर आया था पूरे दिन भर में, वो भी काफी दूर से। और जैसे ही हम बाहर की ओर आ रहे थे तो हमें एक राइनो काफी करीब से देखने को मिला है। पहली बार मैंने राइनो को इतने करीब से देखा, वो भी सिंगल हॉर्न, जो पूरी दुनिया भर में मशहूर है और हमारे देश में पाए जाते हैं। आज का वीडियो काफी अच्छा रहा, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। और आई होप आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज द माउंटेन रिकॉर्ड को सब्सक्राइब करें। आप लोग के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।